नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल दखिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के छोटे सेशन में, जिसका नाम है 4D सीरीज। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल दखिया। एक ये ऐसी सीरीज है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज आपके लिए डेली लेके आता हूँ दोपहर 12 बजे मैजिक मैथ्स ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन छांट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपके लिए लेके आता हूँ, जो कि दोपहर 12 बजे एक 5 मिनट का सेशन होता है, 5 से 6 मिनट का, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन करके बताता हूँ ट्रिक के साथ कि कैसे इसको एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर पाए और अपन एक नंबर अपने को मिल सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो आज का सेशन, आज का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, आज का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, यानी कि समय चाल व दूरी से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, आइए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि टू मैन स्टार्ट साइकिलिंग टूगेदर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, वन एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर एट 6 किलोमीटर पर आवर, द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, दो आदमी एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक साथ साइकिल चलाना शुरू करते हैं, एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। पहला दूसरे से आधे घंटे पहले आता है, तो दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, डिस्टेंस, दूरी एक डिस्टेंस है, एक फिक्स डिस्टेंस है जिसको दो आदमी चलाना, साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं एक साथ। ठीक है, और एक की स्पीड रहती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की होती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहा है वो आधे घंटे पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, यानी कि निर्धारित स्थान पर जहां उसकी दूरी खत्म होती है वहां पर। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है कि ये दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहां पर जब ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमको एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं स्पीड की, ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो एक्स वाई है, ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो एक्स वाई है तो डिस्टेंस का रेशियो भी एक्स वाई ही होगा। ठीक है, स्पीड, क्योंकि स्पीड जितनी तेज होगी डिस्टेंस उतना ही जल्दी कवर करेगा, जितनी स्पीड से चलेंगे उतना जल्दी दूरी तय करेंगे, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। लेकिन अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, टाइम की बात करें तो इसका जो रेशियो होगा वो ऑपोजिट होगा, वो क्या होगा, वाई रेशियो एक्स। ठीक है, वो ऑपोजिट होगा इन दोनों का, ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, ये दोनों पैरेलल चलेंगे, लेकिन ये जो है इसका उल्टा चलेगा। ठीक है, ये उल्टा चलेगा, क्यों, क्योंकि स्पीड जितनी होगी डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा लेकिन टाइम उतना कम लेगा। ठीक है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा, इसलिए टाइम का रेशियो डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस का ऑपोजिट चलता है। ठीक है, तो ये यहां पर मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि स्पीड और डिस्टेंस पैरेलल होते हैं और स्पीड और डिस्टेंस के ऑपोजिट चलता है टाइम का रेशियो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, कि मान लो दो आदमी है, दो आदमी ने साइकिल चलाना शुरू किया, एक आदमी ए है, एक पहला आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है। ठीक है, और यहां पर इनकी स्पीड क्या है, ठीक है, यहां पर इनकी स्पीड क्या है, पहले आदमी की 8 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की क्या है, दूसरे की है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर टाइम क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया कि जो टाइम है वो ऑपोजिट चलता है, तो यहां पर क्या है कि टाइम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, इसलिए टाइम यहां पर उल्टा हो जाएगा, तो टाइम का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 6:8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है टाइम में, 2 का डिफरेंस है, और एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस कितना है, आधे घंटे पहले पहुंच रहा है, जैसा कि आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं कि पहला दूसरे से आधे घंटे पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो आधे घंटे पहले पहुंच रहा है, तो आप आधे घंटे को 0.5 भी लिख सकते हो, या 1/2 भी लिख सकते हो, या आप 30 मिनट भी लिख सकते हो। ठीक है, 30 मिनट भी लिख सकते हो, तो हम लेके चलते हैं इसको 0.5। ठीक है, तो 0.5 लेके चलते हैं। अगर एक की वैल्यू, दो की वैल्यू 0.5 है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी 0.25। ठीक है, दो की वैल्यू आधा घंटा यानी कि 0.5 है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0.5। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 1/4 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 15 मिनट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया वो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अगर 0.25 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से,
ठीक है, यहां को अगर हम 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर कितना आएगा, आधा घंटा, यानी कि 1.5 आवर। ठीक है, और अगर हम 0.25 को करते हैं 8 से, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। ठीक है, ये बात एक हो गई। अब दूसरी बात, हमको बताना क्या है कि किलोमीटर कितना है। ठीक है, तो 2 घंटे के हिसाब से अगर 6 किलोमीटर साइकिल चला, 6 की स्पीड से साइकिल चलाएगा। ठीक है, तो 6 की स्पीड से साइकिल चलाएगा 2 घंटे की स्पीड से, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। तो यहां पर देखो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो हमको निकालना है, यानी कि डिस्टेंस को हम मान सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम कितना है, 2 आवर्स, 2 इंटू, ये हम बी की बात कर रहे हैं, पहले ए की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ए के लिए डिस्टेंस है, ए का डिस्टेंस कितना है, तो टाइम इंटू स्पीड, तो टाइम कितना आएगा, 2 आवर्स और 6 की स्पीड, यानी कि 2 घंटे और 6, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ये हो गया 12। और अगर बी का देखे तो बी का कितना टाइम है, 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 आवर इंटू 8। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये भी आपको 12 आवर आ गया। ठीक है, ये तो आपका एक अपना कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो कैसे निकाला हमने कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का टाइम ऐसे चलता है, टाइम उल्टा ऑपोजिट रेशियो होता है, तो स्पीड जो है ए की 8 है, बी की 6 है, तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 6 टाइम ए का 6 और बी का 8, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, और जो पहुंचने का एक्चुअल डिस्टेंस है वो 0.5 आवर्स है। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 0.25, यानी कि 15 मिनट। जब 1.5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 घंटा मिलेगा, और 15 मिनट यानी कि 0.25 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 घंटे मिलेंगे। अब 2 घंटे के हिसाब से अगर 6 की स्पीड से साइकिल चलाएगा तो 12 किलोमीटर, और 1.5 की स्पीड 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 1.5 घंटे के हिसाब से अगर 8 किलोमीटर साइकिल चलाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 घंटे। तो ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अभी एक मैं आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं इसका, एक और सॉल्यूशन करने का। ठीक है, यहां तो आप देख सकते हो कि जो 12 है वो बिल्कुल अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, 12 फाइनल आंसर है, जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। अब हम चलते हैं, एक दूसरा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि यहां पर एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, x y अपॉन x माइनस y और इज इक्वल टू इंटू टाइमिंग। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं, इंटू टाइम। ठीक है, इंटू टाइम आ गया। तो देखो यहां पर हमको क्या है, टाइम एक्स वाई क्या है हमारा, 8 और 6। ठीक है, तो यानी कि 8 इंटू 6 आ जाएगा, और अपन में क्या है, एक्स माइनस वाई, वाई मतलब 8 माइनस 6, तो यह आ जाएगा 2। और इंटू में टाइम क्या है, टाइम में हम लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते, तो हम 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये 2 से कटेगा कितना बार, ये 4 बार कटेगा। ठीक है, और इस 2 से ये 6 कितने बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, और आपका आंसर 4 किया 12। ये बिल्कुल आपका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 कॉन्सेप्ट बताए मैंने, 2 तरीके बता दिए इसके सोल्व करने के। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले तो ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लगेगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट दिमाग में है, और अगर कुछ भी नहीं है तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है कि एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम, तो आप इसको 2 मिनट में, 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, 30 सेकंड में इसको। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेके आता हूँ इंस्टोन सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो देखते रहिए 4D सीरीज मैजिक मैथ्स ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके, और दूसरे भी अगर आपको टॉपिक ढूंढना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सिस्टमेटिक टॉपिक बना हुआ है, एक पेड कोर्स की तरह आपको यूट्यूब चैनल पर मिलता है यहाँ पर। थैंक यू।